क्यों साजिद भाई, सही है, ठीक सही है, है। तो अभी ठीक चलते है। हैं, इंशाल्लाह आपको रात का व्यू भी दिखाएंगे अपने शहर शहदाद कोट का। और साजिद भाई कुछ कह रहे थे कि उस चैलेंज में तकलीफ भी बहुत है, तो हम साजिद भाई से पूछना चाहेंगे। साजिद भाई क्या एक महीना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया ना, यहाँ बैठ कर तो खबर नहीं पड़ेगी। हाँ। जो आप जो भी मंगवा हुए हमें आपको, अच्छा ये सब देख रहे, ये सब देख रहे हैं। हाँ, हाँ। आप सब उड़ी बाबा ठीक होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं अभी जा रहा हूँ साजिद भाई की तरफ। साजिद भाई की जो शॉप है वो हमारे से ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा करीब है, बस दरमियान ही है। तो अभी चलते हैं साजिद भाई के पास, थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है एक ब्लॉग के बारे में। देखते हैं साजिद भाई क्या राय देते हैं और उनके पास चल के बैठेंगे उनकी शॉप में। बस मैं अभी पैदल ही जा रहा हूँ, आज दोबारा भाई ने बर्फ नहीं लगाई। तो चलते हैं साजिद भाई की शॉप में, मिलते हैं आप लोगों से। मैं साजिद भाई की शॉप पे पहुंच गया हूं और साजिद भाई ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो साजिद भाई? ठीक ठाक हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उस्ताद जी? ठीक ठाक भाई, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुने साजिद भाई कैसे हैं? पेट्रोल सस्ता नहीं करवाया? हाँ नहीं चाहिए, हम पैदल ही अच्छे हैं। हाँ एक लीटर दूध पियो पूरा दिन चलो। अब यही करना पड़ेगा, देसी चीज़ें खानी पड़ेगी पैदल घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आपके पास आया था, मैंने बोला अच्छा गर्मी है तो गर्मी पड़ी है। कोई बात नहीं यार, घूमने की पड़ी है, मुझे घूमने की पड़ी है। मैंने बोला चलते हैं साजिद भाई के से थोड़ी बातचीत करते हैं, दिल भी कर रहा था आपसे मिलने को। मैंने बोला साजिद भाई के पास चलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं और आपसे एक व्लॉग के बारे में डिस्कस भी करनी है। जो अभी हम थोड़ी देर तक, अभी मैं थोड़ा बैठूं, सांस वगैरह ले लूं, उसके बाद जो है हम व्लॉग की डिस्कस करेंगे साजिद भाई से। साजिद भाई की क्या राय है और आपको भी हम सारा कुछ जो सिनेरियो है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सारा कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो हम इंशाल्लाह ऐसे समझ लें एक चैलेंज ये। बस थोड़ी देर अभी यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से डिस्कस करते हैं। हाँ हली, साजिद भाई ने अभी ये बर्फ़ का गोला मंगवाया है, तो अभी दो और रहते हैं, साजिद भाई भी साथ में खाएंगे, साजिद भाई के कज़न भी साथ में खाएंगे और मैं भी साथ में खाऊंगा। तो अभी दो और आते हैं तो फिर साथ में शुरू करते हैं। साजिद भाई ये क्या मसला है, पहले एक बर्फ़ का गोला लेके आया है, अभी दूसरा ये किस्तों में क्यों लेके आ रहा है? छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है इसकी जैसे किस्तों में लेके आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले कोशिश कर रहा था यहाँ से जो है ना एक रेडी वाला जा रहा था गोले वाला, तो मैंने बोला जल्दी पहुँचूँ और इसको आवाज़ लगवा के साजिद भाई को बोलूँ कि इसको बोलो रुक जाओ, लेकिन जैसे ही मैं आपकी शॉप पे पहुँचा वो आगे निकल गया हुआ था। नहीं, गोले वाला है पास में, लेकिन ये किस्तों में लेके आ रहा है ना। छोटा बच्चा है, ये बर्फ़ देख रहे हो, ये बर्फ़ गल गई। शुरू करो ना, आने दो उसको, फिर शुरू करते हैं एक साथ। मज़ा एक साथ में है ना, ऐसे अकेले खाने का क्या मज़ा है, मज़ा साथ में खाने का, अच्छी बात है ना। लाल लाल, हाँ लाल लाल शरबत, क्या बात है, क्या बात है साजिद भाई, जियो जियो। मुंह में पानी आ रहा है साजिद भाई? बहुत आ रहा है यार। फाइनली तीनों गोले हमारे आ चुके हैं, साजिद भाई का, उनके कज़न का और मेरा। अभी हम यहाँ पे बैठ के ठंडे होंगे, हैं साजिद भाई? हाँ भाई ठंडे होंगे, ठंडा होना है अभी यहाँ, मैं तो फुल गर्म होके आया था। बर्फ का गोला खाते हैं, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखते हैं ताकि मोबाइल में ना गिर जाए। ये देख रहे हैं, ये ध्यान रखो, हाँ ये ध्यान रखो, ये साथ में बर्फ़ का गोला और मोबाइल ये पास पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह क्या बात, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ा वही हो, गर्मी उतर गई साजिद भाई। ये बोल रहा है, ये कितने की है कैमरा? ये भाई बोलो, इसको बोलो ये गरीब बंदे को गिफ्ट में लाएंगे ना। इतना महंगा नहीं है, अमीर के लिए
अमीर के लिए सस्ता है, आपके भाई के लिए नहीं। आपके भाई का नाम भी अमीर है ना। अमीर के लिए सस्ता है, गरीब के लिए महंगा है। हम गरीब हैं तो हमारे लिए महंगा है। महंगा है, महंगा है, महंगा। कैसा लगा है गोला? बहुत ही मजेदार टेस्टी गोल है। क्या बात। मैं दिन में पांच खाता हूँ, पांच छह खाता हूँ। आपके तो सामने ही है। मेरे सामने है ना। आपका जब दिल करता होगा आप आवाज लगा दे, छोटे एक गोला लेके आओ। छोटा गोला लेके हाजिर हो जाता होगा। अच्छा यार, क्या बात है साजिद भाई, यार बड़ी चलती है आपकी। उसने शरबत का शीशा ही आपको दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। शरबत का शीशा पड़ा हुआ है, शीशा ही दे दिया। क्या बात है। कम हो तो डालो ना। कम हो जाए तो डाल दें फिर से दोबारा। अभी गोला खाते हैं, थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह व्लॉग का डिस्कस करते हैं। मैं अभी वापस घर जा रहा हूँ, कुछ काम हो गया। तो जिस व्लॉग के बारे में, जिस चैलेंज के बारे में हमने डिस्कस करना था, वो इंशाल्लाह आप लोगों से शाम को करेंगे। अभी वापस घर चलते हैं, काम ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि रिलैक्स बैठ के वो आप लोगों को पूरे तरीके से बताना भी है और समझाना भी है। तो इसकी वजह से मैंने बोला अभी आबड़ ताबड़ में डिस्कस ना हो बेहतर इंशाल्लाह शाम। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं और साजिद भाई किसी काम से शहर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शहर जाके किसी होटल पे बैठ के इस बारे में डिस्कस किया जाए। क्यों साजिद भाई, सही है। तो अभी चलते हैं, इंशाल्लाह आपको रात का व्यू भी दिखाएंगे अपने शहर शदादकोट का। और चलते हैं, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। हाँ चलो अभी, चलो अभी। साजिद भाई गुस्सा भी हो रहे हो और नाराज़ भी हो रहे हैं। हाँ बस चलते हैं, चलो चलो चलो।
मैं और साजिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट शदाद कोर्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर की है। हमने यहाँ पे दो चाय ऑर्डर की है, तो अभी चाय आती है और साथ में चाय भी पियेंगे, आप लोगों से राय और मशवरा भी लेंगे कि क्या करना चाहिए। क्यों साजिद भाई, अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन सोच के उसके बाद उस चैलेंज को जो है हमने डन कर दिया, क्योंकि हमने जो है बहुत सोचा है उस चैलेंज पे, बहुत मज़ा आएगा चैलेंज में। क्यों साजिद भाई, अगर हम उसको कबूल करते हैं तकलीफ है उस चैलेंज में, तकलीफ है। बस अभी चाय आती है फिर चाय भी पियेंगे, आप लोगों के साथ बात भी करेंगे। साजिद भाई कुछ कह रहे थे कि उस चैलेंज में तकलीफ भी बहुत है, तो हम साजिद भाई से पूछना चाहेंगे, साजिद भाई क्या राय है आपको? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, ये नहीं लगता मेरे से नहीं हो पाएगा। साजिद भाई कह रहे तुमसे ना हो पाएगा भाया, ऐसे ही साजिद भाई आप कह रहे हो, यानी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। चले देखते हैं अभी, बस चाय आने तो थोड़ा सा दिमाग खुले, उसके बाद हम सोचेंगे और फिर ये आप लोगों से मशवरा लेंगे। बिल्कुल, साजिद भाई का ये कहना है कि चैलेंज नहीं हो पाएगा, अब आगे आप लोग बताएंगे तो आप लोग देखें क्या राय देते हैं, क्या मशवरा देते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो फाइनली हमारी चाय आ गई है, साजिद भाई बिस्मिल्लाह करें, आप तो पहले आप पहले आप चाय आ गई, थोड़ी सी ठंडी हो, ये ना हो कि जल्दबाजी में हम चाय की चुस्की लगाएं और मुंह जल जाए। समोसे वाले व्लॉग में याद है आपको, आपने गरम समोसा खा लिया था मेरे ख्याल से, कि मैंने खाया था? नहीं मैंने खाया, आपने खाया था। साजिद भाई ने समोसा वाले व्लॉग में जल्दबाजी में जो है गरम समोसा खा लिया और उसकी वजह से साजिद भाई का मुंह जल गया था। अभी पहले आप अभी अभी साजिद भाई कह रहे हैं कि पहले आप पियो ताकि पहले मेरा मुंह जले। अभी थोड़ी सी चाय ठंडी हो, चाय पीने का टाइम भी हो गया है और आप लोगों से डिस्कस करने का भी टाइम फाइनली हो गया। बहुत इंतज़ार कर रहा है साजिद भाई, आप अभी तो बता दो, अभी तो बता दो, साजिद भाई से सबर नहीं हो रहा। माशाल्लाह टेस्टी चाय है, अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ पे साथ में ब्लॉग भी अपलोड कर रहा था जो आपने, एक मिनट एक बात बताओ, बात भी बताता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉग अपलोड कर रहा था जो अभी आपने देख लिया होगा, महंगाई वाला ब्लॉग। गांव में जो है नेट हमारे बिल्कुल स्लो चलता है, बिल्कुल चलता ही नहीं है। मैं कभी कभार आप लोगों को सपोर्ट भी करता हूँ तो रात को छत पे बैठ के जाके ब्लॉग देखता हूँ या फिर घर से बाहर जाके आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। नीचे जो है बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो कुछ बनेगा, ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा ना। फाइनली फाइनली मैं आप लोगों को बताता चलूं, साजिद भाई पिछले व्लॉग में मैं और साजिद भाई जा रहे थे कुर्बान भाई के पास, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हम पैदल जा रहे थे तो वहाँ पर साजिद भाई के दोस्त मिल गए। साजिद भाई से पूछा कि खैरियत है, पैदल क्यों घूम रहे हो? तो साजिद भाई ने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया तो इसकी वजह से हम पैदल घूम रहे हैं। साजिद भाई के दोस्त ने ये बात कही, कितने दिन पैदल घूम लोगे, कितने दिन पैदल घूम लोगे, एक दिन चैलेंज, ये है चैलेंज, एक एक दिन, उसने कहा कितने दिन पैदल घूम लोगे, तो हम सोच में पड़ गए। उसने कहा एक दिन पैदल घूम लोगे, दो दिन, तीन दिन, उसने आगे से साजिद भाई को ये बात कही, आप एक महीना पैदल घूमो तो फिर बात बनेगी, यानी कि एक हिसाब से ये चैलेंज भी है कि एक महीना पैदल घूमना है, मोटरसाइकिल को टच ही नहीं करना। आप नहीं करोगे? हाँ मैं टच नहीं करूँगा, साजिद भाई का इसमें कोई दखल नहीं है, ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें, साजिद भाई का कोई दखल नहीं, अगर चैलेंज होगा भी तो ये सिर्फ मेरे लिए होगा। एक और बात मैं आप लोगों के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें एक और छोटी सी जो बात है वो ये है कि अगर घर वालों की तबीयत ख़राब, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर घर वालों की तबीयत ख़राब हो जाती है, सामिर बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है या मुझे ससुर के साथ कहीं जाना पड़ता है तो फिर मुझे मजबूरन मजबूरन बाइक निकालनी पड़ेगी, वरना मैं बाइक नहीं निकालूंगा। अपने काम के लिए मैं शहर भी पैदल आऊँगा,
साजिद भाई के काम से जाना पड़ा। हाँ, फैमिली के काम से गए तो फिर तो मजबूरन जाहिर सी बात है बाइक निकालनी पड़ेगी। क्यों साजिद भाई? नहीं जाऊंगा, खुद के लिए नहीं जाऊंगा। और साजिद भाई शुरू से ये रट लगाई जा रहे हैं कि मेरे से ना हो पाएगा। आपको क्यों लगता है ऐसा साजिद भाई कि मेरे से ना हो पाएगा? इसलिए लगता है कि आप जो है ना, मम्मी डैडी बचाओ, फिर आप जो है ना कहीं भी जाते हो ना बाइक पे ही जाते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है, पेट्रोल सस्ता था तो जा रहे थे। दुकान पर जाता है ये अब देखने वालों को आप इस बात में जो है, नहीं दुकान है, नहीं ये पास में है दुकान, ये बाइक पे जाते हैं, ये बातें बताने की नहीं होती, नजर लग जाती है साजिद भाई। अच्छा साजिद भाई, इसकी वजह से कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तो साजिद भाई कह रहे मैं बाइक पे जाता हूं, कभी कभार मैं पैदल निकलता हूं। ठीक है साजिद भाई, सही कह रहे हैं। नहीं देखा ही नहीं ना आपने, नहीं देखा, मैं आसपास पैदल घूमता रहता लेकिन साजिद भाई ने मुझे नहीं देखा। साजिद भाई इसकी वजह से कह रहे मेरे से नहीं हो पाएगा, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की क्या ये मुझे चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं अगर घर वालों के लिए भी बाइक निकालूंगा कि हाँ मैं अभी बाइक निकाल रहा हूँ घर वालों के लिए या मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ये नहीं कि मैं काम ख़त्म कर लूं फिर आपको शाम को बताऊं कि भाई आज मैंने सारा दिन बाइक नहीं निकाली, ऐसा नहीं होगा। क्यों साजिद भाई? हकीकत है, ये एक महीने का चैलेंज होगा पैदल चलने का। एक महीना तो टारगेट है, वो पूरा कर लिया ना यहाँ बैठ कर जो भवन, जो आप जो भी मंगवाओगे आपको। अच्छा ये सब देख रहे हैं। हाँ। अच्छा साजिद भाई कह रहे अगर मैंने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो साजिद भाई हमें यहाँ पे गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट शहदाद कोर्ट पे खाना खिलाएंगे, कुछ भी खा लो। साजिद भाई कह रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। अच्छा अगर मेरे से कंप्लीट ना हो पाया तो आप जो भी काम, अच्छा जो भी आप खाओगे। अच्छा साजिद भाई कह रहे अगर मेरे से कंप्लीट ना हो पाया तो साजिद भाई को आके यहाँ पे मैं खाना खिलाऊंगा। चलें देखते हैं, पहले आप ये व्लॉग देख लें, उसके बाद हमें नीचे कमेंट में राय दें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ये चैलेंज शुरू करेंगे, और जैसे ही चैलेंज शुरू करेंगे आप लोगों को भी बताएंगे। इस वीडियो के नीचे जो भी आपका कमेंट आएगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि किस किस ने मैसेज किए हैं, और जो कमेंट होंगे आप लोग दिखाने वाले वो हम कमेंट उठाएंगे और उन पे हम तबसरा करेंगे। क्यों साजिद? ठीक है, सही है, डन हो गया। सपोर्ट करने को बोल दो, सपोर्ट करने का बोल। सपोर्ट करो ताकि हम ये चैलेंज कर सकें। क्यों साजिद भाई? सपोर्ट करेंगे तो चैलेंज होगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से चैलेंज? करेंगे। चले ठीक है, देखते हैं। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद हम वापस घर जाएंगे। इस लोग का यही एंड कर दें, मेरी तो बोल के बस हो गई, आपकी भी बस हो गई, तो कल फिर इंशाल्लाह। इस व्लॉग का यही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पूछेंगे हाँ कि आप लोग क्या रहा है, तो फिर इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग बनाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोग जरूर 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 पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, दुआओं में याद, पे अमान अल्लाह।